तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टिकाउस पे। तो जैसा कि दोस्तों, दो जो फोन है हमारे यहाँ पर, इनका प्राइस यहाँ पर आपको 30,000 देखने को मिलता है और काफ़ी प्रीमियम से क्वालिटी के कैमरा सेंसर यहाँ पर इनमें दिए गए हैं। फुल डिटेल में कैमरा कंपेरिजन करने वाले हैं आपको, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फोटोज आपके सामने शो करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑल बात करते हैं रेनो 6 की, तो यहाँ पर आपको तीन कैमरा देखने को मिलते हैं। वीवो V20 में आपको तीन कैमरा मिलते हैं, प्राइमरी लेंस 64 का 8 MP अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 MP का मैक्रो लेंस, और फ्रंट में आपको दो, एक तरफ 32 MP सेल्फी, एक तरफ 44 का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। किस तरह की क्वालिटी आपको मिलने वाली है वो जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, 1080 में यहाँ पे हमने 30 FPS फ्रेम रेट पर आपको सामने शूट की है। आप देख सकते हैं क्वालिटी जो है अच्छी निकल कर आती है वो रेनो 6 में, लेकिन यहाँ पर स्टेबलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका वीवो V21 का हमें देखने को मिलता है। आप क्वालिटी कलर वाइज अगर देखते हैं तो कलर इन्हेंस थोड़े से बूस्ट हमें रेनो 6 में दिख रहे हैं, लेकिन अगर डिटेलिंग वगैरह की बात करें, डिटेलिंग दोनों ही फ़ोन की काफ़ी बेस्ट है, बस यहाँ पर थोड़ा स्टेबलाइजेशन वाला मैटर है तो वो आपको V21 थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। ये नॉर्मल मोड पे शूटिंग है, इसमें हमने अल्ट्रा स्टेबल मोड भी ऑन नहीं किया है। स्लो मोशन की बात करते हैं, यहाँ पर ऑब्वियस रेनो 6 इज द बेस्ट, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको स्लो मोशन वीडियो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और वीवो V21 का एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है और एक ही फ्रेम रेट पे आपको स्लो मोशन वीडियो शूट होगा, रेनो 6 में आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर अगर फोटोज़ की बात करते हैं, यहाँ पर प्राइमरी लेंस मतलब 64 MP से हमने किए हैं, HDR यहाँ पर ऑन था और दोनों का, और यहाँ पर अगर देखें तो कलर वगैरह जो है, डिटेलिंग वगैरह की बात करें, ज़्यादा अच्छी हमें रेनो 6 में देखने को मिलती है। थोड़े से कलर जो है वो ज़्यादा अच्छे निकल कर आते हैं। नेच और वाइड एंगल लेंस की बात करते हैं तो दोनों की कैप्चरिंग क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा स्मूथ अगर फोटोज़ की बात करें तो वो रेनो 6 में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वाइड एंगल लेंस आपका V21 के अंदर वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। थोड़े थोड़े से अगर बात करें रेनो 6 की, ज़्यादा थोड़े से कलर जो है वो बूस्ट होते हैं, नेचुरल रखने की कोशिश जो है V21 यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है। डिटेलिंग वगैरह की बात करें वो आपको ज़्यादा प्रीमियम से जो है रेनो 6 में देखने को मिलती है। नीचे आप देख सकते हैं स्टोन तक भी आपको नीचे के काफ़ी क्लियरली बिल्कुल शो हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें वाइड एंगल लेंस की तो यहाँ पर भी हमें यही चीज़ निकल कर आती है, यहाँ पर लेंस वाइड एंगल का आपको रेनो 6 में ज़्यादा बेस्ट मिलता है, क्योंकि बिकॉज प्रॉपर एक डिटेलिंग प्लस यहाँ पर कैप्चरिंग क्वालिटी और कलर वगैरह एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो हमें रेनो 6 में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें इसके प्राइमरी लेंस की, अगर ग्रासरी वगैरह की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो में इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर ही कुछ जो कलर जो होते हैं हमारे डार्क कलर टोन वाले, उसमें हमें थोड़ी सी चीज़ बिल्कुल क्लियरली शो हो जाती है, क्लियरली विजिबल हो जाती है कि आपको उसमें डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर वाइड एंगल की वहीं बात करें, थोड़े से वार्म कलर जो हैं वो हमें V21 में देखने को मिलते हैं, और नेचुरल और जो रखने की कोशिश की गई है वो आपको यहाँ पर रेनो 6 में देखने को मिल जाएगा। ये भी प्राइमरी लेंस से थोड़ा क्लोज जाके हमने फोटो क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से कलर जो ज़्यादा बूस्ट हुए हैं वो रेनो 6 में, और यहाँ पर थोड़े से हल्के हल्के बिल्कुल वाइट कॉन्ट्रास्ट जिसमें ज़्यादा देखने को मिलता है वो V21 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक अगेन फोटो हम यहाँ पर क्लोज जाकर मैक्रो लेंस का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो 2 MP का है, डिटेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बेटर जो है वो आपको यहाँ पर रेनो 6 में देखने को मिलती है थोड़े से यहाँ पर, लेकिन आपको एजेस वगैरह जो मेंटेन इसके अंदर भी देखते हैं तो वो V21 में भी काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर मैक्रो लेंस में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ कुछ जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर आपके फोटोज़ में होते हैं तो इतने ज़्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस नज़र नहीं आता है, लेकिन थोड़े से कलर जो है वो ज़्यादा बूस्ट होते हैं रेनो 6 में, उसको थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश यहाँ पर वीवो V20 हमारे सामने करता है। वहीं अगर बात करें कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह की, पेड़ वगैरह की, तो ट्रीज़ वगैरह में आप देख सकते हैं पीछे के ऑब्जेक्ट की अगर बात करें जो ज़्यादा क्लियर विजिबल है वो रेनो 6 में, मतलब डिटेलिंग जो है एक ऑब्जेक्ट को फोकस करके पीछे की चीज़ों को आपको काफ़ी क्लियरली यहाँ पर विजिबल करा देता है। ये चीज़ V21 में थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। कलर इनहेंस आप देख सकते हैं जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं उनको अलग अलग यहाँ पर कलर आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वीवो V20 में थोड़ी सी हमें चीज़ ये कम दिखने मिलती है, थोड़ी डलनेस आपको यहाँ पर फोटो में देखने को मिलेगी। वार्म जो होती हैं चीज़ें वो आपको V21 में देखने को मिलती है। वहीं अगर डिटेलिंग की बात करें अगर दोनों ही फ़ोन की, वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। डायनेमिक रेंज वगैरह वो भी काफ़ी यहाँ पर बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है क्लियरली दिख जाती हैं फोटोज़ के अंदर। वहीं अगर एक और डिफरेंट फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा कलर जो है वो हमें कहीं कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलता है बूस्ट में रेनो 6 के अंदर। ये चीज़ वीवो V20 अंदर काफ़ी अच्छी है। अगर आप डार्क कलर के ऊपर अगर फोटोज़ क्लिक करेंगे इतने ज़्यादा बूस्ट जो होते हैं वो नहीं होंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट क्लियर दिख जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डिटेलिंग जो है वो ज़्यादा निकल प्रॉपर आ जाती है रेनो 6 के अंदर।
जैसा कि दोस्तों दोनों ही फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज आपके सामने निकल कर आए, तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा। और दोनों ही मोबाइल के परचेस लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एक और प्राइमरी लेंस की, अगर थोड़ा सा दूर जाकर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार सी फोन के अंदर डिटेलिंग दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाएगी। डायनेमिक रेंज वगैरह वो भी काफ़ी प्रॉपर है, लेकिन थोड़े से कदर वही चीज़ जो मेरे सामने निकल करती है, बूस्ट जो है वो रेनो 6 में कहीं कहीं पर ज़्यादा होते हैं। एक ऑब्जेक्ट से बाद पीछे अगर आप नॉर्मल प्राइमरी लेंस से भी फोकस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, पीछे की चीज़ों को थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं ये, लेकिन आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, फोकसिंग क्वालिटी दोनों ही फोन की काफ़ी फास्ट है और काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। एक यहाँ पे हमने जूम टेस्ट किया है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको सिमिलर यहाँ पर जैसे कि मैं जैसे सेकेंडली जूम करूँगा तो उसके अंदर आपको क्लियरली शो हो जाएगा। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दोनों ही फोन में निकल कर आई है। जैसे आपको स्विच करेंगे 2x जूम तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो पूरा पोल वगैरह जो लाइटिंग के पोल्स हैं वहाँ तक जूम करने वाले, 2x तक भी दोनों ही फोटो के अंदर हमें ज़्यादा चीज़ अच्छी देखने को मिली है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ाहट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर Vivo V21 की बात करें, थोड़ा सा वाइट कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है। डिटेलिंग अगर 5x जूम की बात करें, रेनो 6 में ज़्यादा प्रॉपर और अच्छी देखने को मिलती है। 10x तक भी जाते हैं आप तो डिटेलिंग के मामले में जो है रेनो 6 इज़ द बेस्ट, बिकॉज यहाँ पर थोड़े ज़्यादा मच्छर वगैरह वो आपको 10x में अंदर देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ काफ़ी बेटर है रेनो 6 में, यहाँ पर आपको 20x का जूम देखने को मिलता है जो कि Vivo V20 में नहीं है। तो रेनो 6 में आप 20x तक जूम कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट पर आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाकर फोटो के को यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी उसमें आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ पोर्ट्रेट शॉट मैं आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट शॉट के मामले में दोनों ही फ़ोन के अंदर काफ़ी एज डिटेक्शन वगैरह काफ़ी बेस्ट रहा, और कलर एनहेंस वगैरह जो जितने भी चीज़ें वो भी काफ़ी अच्छी रही। नेचुरल इमेजेस आपको सामने निकल कर आती है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह के कलर शो है हुए हैं हमें। लेकिन रेनो 6 में यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर आप देख सकते हैं ज़्यादा एक प्रॉपर इमेज की शो आपको सामने निकल कर आती है, चीज़ें एज वगैरह ज़्यादा मेंटेन करके रखे गए। Vivo V20 के अंदर भी शार्पनेस वगैरह काफ़ी अच्छी रही पोर्ट्रेट शॉट के अंदर, और डिटेलिंग वगैरह दोनों ही फ़ोन के अंदर हमें काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन सिर्फ पोल का था, लेकिन Vivo V21 के अंदर हमें ये चीज़ तो है थोड़ा थोड़ा सा ब्लर आपका ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। इस मामले में रेनो 6 थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली इमेज जो है आपके सामने रख देता है। उसी के साथ ये अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें दोनों में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के मामले में बात करें तो पोर्ट्रेट के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं जितना कि प्राइमरी लेंस में आपके सामने शो हुए हैं। तो फ्रेंड आपकी क्या राय है इन दोनों ही फोन के फोटोज़ के लेकर, वो आप कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके टेक नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ।